कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है बैंकिंग एंड फाइनेंसेस को लेकर। बहुत सारे उपभोक्ताओं के प्रश्न एटीएम को लेकर हमें मिलते हैं और आज हम एटीएम संबंधी कुछ केसेस को डिस्कस करते हुए एटीएम्स में आने वाली इश्यूज पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें एक सज्जन से मिला है उस पर पहले चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह के केसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आ सकते हैं और किस तरह के बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं आ सकते। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के स्कोप में डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट इन सर्विसेज आएगा। बैंकिंग सेक्टर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है जिसमें डेफिशिएंसी इन सर्विसेज की हम चर्चा करते हैं, किंतु ये इश्यू जो हमारे सामने आया है और ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उसमें ये कहा गया है कि मेरे घर के बाहर बैंक ने, बंधन बैंक ने नोटिस चिपका दिया है सराफेसी एक्ट के अंडर, जिससे डिफेमेशन हो रही है, मुझे एंड मेंटल हैरेसमेंट हो रही है, जबकि मैंने रिक्वेस्ट भी किया है बैंक को कि जो भी ड्यूज बनते हैं मैं देने को तैयार हूँ। इसलिए उन सज्जन ने हमें रिक्वेस्ट की है कि हम नेशनल कमीशन में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं और हमसे मदद मांगी है, तो आज हम इस बात को पहले स्पष्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इनका कोई कॉज ऑफ एक्शन भी नहीं बनता है, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई मनी ड्यूज हैं और वो उन्होंने समय पर नहीं दिए हैं, निश्चित रूप से पहले नोटिस उनको दिया गया हो, लेटर दिया गया होगा एक्ट को इन्वोक करने से पहले जरूर उनको नोटिस दिया गया होगा, बैंक से उनको बताया गया होगा कि कितने ड्यूज उनके बच गए हैं और कितनी उनकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से एक दो इंस्टॉलमेंट्स न देने पर वो अपना एक्शन ले सकते हैं और उसके बावजूद भी यदि आपने पैसे जमा नहीं कराए हैं तो वो एक्ट को इन्वोक कर सकते हैं। और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि आप यदि नोटिस नहीं ले रहे हैं तो किस किस तरीके से घर के बाहर भी नोटिस चिपकाया जा सकता है और उसमें कोई डिफेमेशन और मेंटल एगनी की बात नहीं होती है। दूसरा, आपने जिस एक्ट के अंडर आपका केस चल रहा है, जिस भी एक्ट के तहत आपको नोटिस दिया है, आपकी रेमेडी उसी एक्ट के पास ही होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसी एक्ट के तहत, मान लीजिए डीआरटी में गया है आपका केस, तो उसी एक्ट के तहत आप बैंक को कांटेक्ट कर सकते हैं या उस ट्रिब्यूनल या कोर्ट जहां से आपको नोटिस आ रहा है वहां जाकर आप बात कर सकते हैं और वहीं पर आप ये कह सकते हैं कि आप पैसा देना चाहते हैं। यदि आपको इच्छा है कि आपको सेटल करना है मैटर तो सेटल कोर्ट में जाकर भी हो सकता है, मेंटल एगनी का और इस तरह का आपका कंपनसेशन का कोई केस नेशनल कमीशन में नहीं बनता है। अब हम आते हैं आगे कुछ केसेस के जिसमें एटीएम से अनऑथराइज्ड विड्रॉल होता है, तो किस किस तरह के केसेस आते हैं और किस किस तरह के केसेस कोर्ट्स में डिसाइड हुए हैं। जैसे अभी का रिसेंटली हम केस ले रहे हैं जो नेशनल कमीशन ने डिसाइड किया है 15 नवंबर 2023 को। इस केस को लेते हुए हम बाकी के भी अनऑथराइज्ड विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एटीएम से उनकी भी चर्चा करेंगे। ये केस है पंकज कुमार वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें फैक्ट्स ये हैं कि पंकज जी को अलर्ट आता है, एसएमएस अलर्ट आता है कि उनके बैंक से 1,05,000 निकल गया है, तो वो 8 ट्रांजेक्शन्स में निकला जिसमें दो ट्रांजेक्शन रिवर्स कर दी गई। इन्होंने तुरंत बैंक को कांटेक्ट किया क्योंकि इन्होंने अपना एटीएम कार्ड यूज ही नहीं किया था, एटीएम कार्ड इनके पास था इसलिए ये विड्रॉल उनकी तरफ से नहीं हुआ था। तो बैंक ने सीसी फुटेज में ये बताया कि किसी व्यक्ति ने विड्रॉ किया है, इसलिए बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका एटीएम कार्ड यूज हुआ है। पंकज जी ने जाके बताया कि मैंने तो एटीएम कार्ड यूज नहीं किया, एटीएम कार्ड तो मेरे पास है। बैंक ने
उनकी बात नहीं सुनी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट कमीशन में पंकज जी ने शिकायत दर्ज कराई। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने इनके पक्ष में ऑर्डर किया और इनको इनके पैसे की भरपाई करने का ऑर्डर किया। स्टेट कमीशन ने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। नेशनल कमीशन ने फिर इनके पक्ष में ऑर्डर दिया। उसमें क्या क्या चर्चा हुई? चर्चा ये हुई कि एटीएम कार्ड ओरिजिनल उनके पास था, इसलिए इन्होंने अगर नहीं किया है तो किसी और ने किया है, तो ये दायित्व बैंक का बनता है। दूसरा, कोई सीसीटीवी कैमरा से ये मालूम हुआ कि किसी और व्यक्ति ने अदर देन पंकज जी ने विड्रॉ किया है, मनी विड्रॉ की है और ओरिजिनल कार्ड भी उनके पास है, तो ये सिद्ध हो जाती है इससे बात कि पंकज ने तो विड्रॉ ही नहीं किया, एटीएम कार्ड उनके पास है, किसी तीसरे व्यक्ति ने विड्रॉ किया, तो इन टोटालिटी ये दायित्व बैंक का बनता है। तो फ्रेंड्स, अमूमन क्या होता है, बैंक के पास जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की शिकायत लेके जाता है तो बैंक ये कहते हैं कि ये तो फ्रॉड का मैटर है, इसको आप सुलटिए और इसके लिए आप स्वयं एफआईआर कीजिए। यहाँ पर एक बात समझने की है कि यदि कंज्यूमर ने की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, उन्होंने अपना एटीएम पिन किसी को नहीं बताया और एटीएम कार्ड भी उन्हीं के पास है, किसी को उन्होंने दिया भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो वो बैंक के साथ हुआ है, उस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ जिसका अकाउंट उसके पास है, क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट खोलकर बैंक को दायित्व दिया है और उनके पैसे की रखवाली का दायित्व जो है वो बैंक का है। और यदि कोई फ्रॉड होता है तो उसका दायित्व तो बैंक का होता है और बैंक का ये कहना कि आप जाकर एफआईआर कर दीजिए और अपना मामला क्रिमिनल लॉ के अंदर अब अपने मामले के लिए खुद पैरवी करिए, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें हम आपको आरबीआई के कुछ सर्कुलर्स का भी आपका उल्लेख करना चाहेंगे। 6 जुलाई 1917 को और 8 अप्रैल 2002 को ये दो सर्कुलर आरबीआई ने इशू किए थे, जिसमें दो चीजें प्रमुख रूप से कही थी कि इन केस वेयर बैंक इज एट फॉल्ट द बैंक शुड कंपनसेट। बैंक एट फॉल्ट क्लियर होता है कि सीसीटीवी फुटेज में कोई दूसरा व्यक्ति पैसा निकाल रहा है और ओरिजिनल एटीएम कार्ड कंज्यूमर दिखा रहा है कि उनके पास है और उन्होंने किसी को अपना पेन भी नहीं बताया है, ये उनका दावा है। इस स्थिति में बैंक अपना दायित्व लेगा और जो भी भरपाई होगी, जो भी उसका नुकसान हुआ होगा कंज्यूमर को, उसकी भरपाई बैंक करेगा। दूसरी स्थिति ये है कि जब ये ना पता चले ना बैंक रिस्पॉन्सिबल है ना कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबल है, तो इन दैट केस ऑल्सो इन सर्कुलर के आधार पर तब भी बैंक को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये सर्कुलर थे, इसके आधार पर ये ऑर्डर हुआ पंकज कुमार वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 19 नवंबर 2023 को। इसके बाद हम आपको पिछले कुछ ऑर्डर्स की भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि इन दूसरे केसेस में भी क्या क्या स्थितियां रही और किस किस तरह के ऑर्डर कोर्ट ने किए। मैनिपुलेशन इन एटीएम मशीन, कोई थर्ड पार्टी अगर मशीन में एटीएम मशीन में मैनिपुलेट करता है और पैसा निकल जाता है, उस स्थिति में भी बैंक की दायित्व होगा, क्योंकि एटीएम मशीन बैंक की कस्टडी में है। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ हुई है तो इसमें बैंक का दायित्व है, क्योंकि उसका रख रखाव और उसका दायित्व बैंक का है। और दूसरा, मॉल फंक्शनिंग ऑफ एटीएम, एक केस में विद्यावती वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2015 का केस है, ये नेशनल कमीशन का ही है। इस केस में ये नोटिस दिया गया बैंक को, कहा गया कि फला मशीन काम नहीं कर रही है, तो उनका दायित्व तो बनता था बैंक का, या तो उसको स्टॉप कर दे उसकी फंक्शनिंग को या उसको रेक्टिफाई करे, दोनों ही स्थितियों में बैंक का ही दायित्व तो बनता है। किंतु इस केस में बैंक ने इस
कंज्यूमर्स के ये बताने के बावजूद भी ना तो मशीन को ठीक करवाया और ना ही फंक्शनिंग को स्टॉप किया, जो कि बहुत जरूरी था। फंक्शनिंग को स्टॉप कर देते और उस ड्यूरेशन में यदि कोई विड्रॉवल होता है तो उसका दायित्व बैंक का होता है। इस केस में बैंक को ही रिस्पॉन्सिबल माना गया, ना तो उसने लॉकिंग सिस्टम ठीक किया, ना रिपेयर किए, ना उसको फंक्शनिंग को स्टॉप किया। दूसरा केस था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संसार चंद का। इसमें सीसीटीवी फुटेज ही नहीं दी गई। कंज्यूमर जब ये एलेज करता है कि मेरा पैसा निकल गया है और बैंक से ये कहता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज तो दिखाइए किसने पैसा निकाला, जब बैंक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा पाता तो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की हो ही जाएगी, क्योंकि ये अधिकार है कंज्यूमर का कि सीसीटीवी फुटेज देखे। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो दायित्व लीजिए। तो इस केस में भी कंज्यूमर के पक्ष में ऑर्डर किया गया। अगला केस था एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जे नगिया डिसाइडेड ऑन 8/7/14, ये 2014 में ये डिसाइड हुआ था। इसमें ये था कि नया कार्ड इशू हो गया कंज्यूमर को, कंज्यूमर ने तो नया कार्ड इशू जो हुआ है उससे काम करेगा, किंतु किसी ने ओल्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उनके बैंक से पैसा निकाल दिया। तो एक बार अगर आप नया कार्ड इशू कर देते हैं तो ये बैंक का दायित्व होता है कि वो पुराने कार्ड को कैंसिल करे। अब ऐसा हो सकता है कि पुराना कार्ड किसी के हाथ में लग गया हो, पर पुराना कार्ड तो इनवैलिड हो जाना चाहिए। यदि वो इनवैलिड नहीं हुआ तो इसका दायित्व भी बैंक का ही बनेगा। ये था कोर्ट का ऑर्डर, ये भी नेशनल कमीशन का ऑर्डर था 2014 में। तो फ्रेंड्स, कुछ चीजें और भी हैं जो हम बताना चाहते हैं कि कभी कभी गलती कंज्यूमर से भी होती है। जैसे आप एटीएम कार्ड में आपने इस्तेमाल किया और आपका कार्ड सॉल्व कर लिया गया, आपने उसको मशीन को छोड़ दिया और बाहर निकल आए, उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल नहीं किया। यदि कैंसिल नहीं किया तो दूसरा कोई भी व्यक्ति आकर जब मशीन का इस्तेमाल करेगा और अगर वो फंक्शनिंग होती है, फंक्शनिंग कंडीशन में होती है, तो आपका जो पिन भरा होगा वो काम करने लगेगा और कोई भी पैसा उसमें से निकाल लेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब भी ट्रांजैक्शन समाप्त करते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई हो या ना हो।